देखिए पत्रकार साथियों, आप सब गवाह हैं। दो दिन के बारिश में राजधानी के हालात बद से बदतर हो गए, सत्यानाश हो गया, चौपट हो गया। 24 वर्षों तक राजधानी के विधायक के रूप में, नगर विकास मंत्री के रूप में और न जाने किन किन पदों की शोभा बढ़ाते रहे माननीय सीपी सिंह जी, नली गली की ही राजनीति में रहे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज रांची में नली कहां, गली कहां, बारिश का पानी कहां, अब लोगों के निधन भी हो रहे हैं इस बारिश में। वो सीपी सिंह जी साथ में माननीय रघुवर दास जी भी शामिल हैं। 400 करोड़ रुपए का सिवरेज ड्रेनेज और न जाने कितने अभियंताओं के साथ सांठ गांठ करके ठेकेदारी व्यवस्था को मजबूत करने वाले, एक न स्कूल बनाया, न अस्पताल बनाए, न कुछ बनाया, किया क्या, यही काम किया, भ्रष्टाचार में अंतर्लिप्त रहे। और आज 16 महीने से कहां गायब है, राजधानी की जनता चिराग लेकर ढूंढ रही। हाँ, कभी कभी दिखाई दे जाते हैं जब उनको राहुल गांधी जी को कोसना होता है या कांग्रेस को कोसना होता है। मैं माननीय से निवेदन करता हूं, मान्यवर, अब भी वक्त है, आप इस्तीफा दे दीजिए। आपने राजधानी के जो बुरे हालात किए हैं, राजधानी की जनता, प्रदेश की जनता कभी आपको माफ करने वाले नहीं। बारे सिवरेज और ड्रेनेज चारों तरफ, जबकि आज जो बारिश हो रही है, आज से पहले कई दिनों तक बारिश हुआ करता था, फिर भी बारिश की पानी जो है वो निकल जाया करते थे। कांग्रेस का यह मानना है, रांची को इस हाल में पहुंचाने के लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो हमारे परम आदरणीय माननीय सीपी सिंह जी जिम्मेदार है, जिनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि रांची शहर में जो सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम की परेशानी है, उसको लेकर आम जनता को काफी दिक्कतें हो रही हैं, और खासकर बरसात के मौसम में अभी जिस तरह की बारिश हुई उसमें जो समस्याएं सामने आई हैं, निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। लेकिन इसके लिए सिर्फ पूर्ववर्ती रघुवर सरकार और रघुवर दास को और वर्तमान रांची के जो विधायक हैं सीपी सिंह, उनको दोषी ठहराना मैं समझता हूं कि पूर्णता से आंख मूंदने के समान होगा। कहीं ना कहीं नगर निगम की भी भूमिका बनती है, और जो अधिकारी इतने दिनों तक पदों पर रहे, उनकी जिस तरह से शहर को व्यवस्थित ढंग से प्लान करने की आवश्यकता थी, उसकी ओर उन लोगों ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। और एक बढ़ती आबादी के साथ साथ जिस तरह से विस्तार हुआ है रांची का, तो लोगों ने छोटी छोटी प्लॉट खरीदी, मकान जहां मन किया वहां बना दिया, जल निकासी के सारे रास्ते बंद हो गए, तो ये समस्या तो होना ही है। लोगों को भी यह समझना होगा कि जो नालियां हैं वो पानी के बहाव के लिए है, उसको हम अवरुद्ध न करें, उसका अतिक्रमण न करें, क्योंकि आए दिन एक बड़ी समस्या इसके कारण खड़ी होती है। तो इस सारे विषय को पूर्णता के रूप में देखना होगा, सिर्फ किसी एक दो व्यक्ति को दोषी ठहरा देने से मैं समझता हूँ कि इसका समाधान भी नहीं हो सकता है। और आगे आने वाले दिनों के लिए किस तरह से हम जागरूक हों, साथ साथ प्रशासन का भी सहयोग करें, ताकि इससे हम पूर्णता से आजादी पा सकें। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।